we were doing features of election system, and you have done all. Only one was left, that is joint electorate. So इसमें आप बताओगे, first of all, before independence, British introduced. I think you have done this. Okay, do it. Before independence, British introduced separate communal electorate. क्या किया था ब्रिटिश ने बिफोर इंडिपेंडेंस? ब्रिटिश इंट्रोड्यूस क्या किया था उन्होंने? सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट. एंड दिस बिकेम द मेन रीजन फॉर द पार्टीशन ऑफ अवर कंट्री इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान. लिसन अगेन, बिफोर इंडिपेंडेंस ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट कम्युनल, मींस रिलीजन बेसिस पे, separate communal electorate, and this became separate communal religion based separate communal electorate, and this became the main reason for the partition of the country into India and Pakistan. After independence, our new constitution introduced joint electorate. After independence, our new constitution introduced joint electorate. Now there is no Hindu, Muslim, and Sikh constituency. There is no Hindu, Muslim, and Sikh constituency. All the people have to be voted in general electorate. There is no Hindu, Muslim, Sikh constituency. All the people have to be voted in general electorate. You can write extra, बता रही हूँ features. You can write here petition also. अगर आपके features कम पड़ जाएं तो you can write petition. You can write modal code of conduct also. Modal code of conduct भी आप features में add कर सकते हो, ठीक है? Six you have done. Seven number पे आप petition वाला point लेके आ सकते हो. Eight number you will write about modal code of conduct. So all these are features of election system, ठीक है? अब इसी को मैं बिल्कुल simple बोलूं, because सारे students एक जैसे नहीं होते. Learning power सबकी एक जैसी नहीं होती. अभी मैंने बोले हैं पैराग्राफ की फॉर्म में, ठीक है? वो सिंपल भी आप कर सकते हो, एंड यू विल गेट फुल 5 out of 5 बाय डूइंग दिस टाइप ऑफ आंसर आल्सो. फॉर एग्जांपल, आपको पेपर में क्वेश्चन आता है राइट द फीचर्स ऑफ इलेक्शन सिस्टम, इट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस व्हाट टू राइट. आपको कोई कंपल्शन नहीं है आपने कैसे करना है, आपकी अपनी मर्जी है, बट इट शुड बी करेक्ट. तो अगर आप तो इसमें कोई और लिखी जाओगे कि डेट ऑफ इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड, दैट इज नॉट द फीचर ऑफ इलेक्शन सिस्टम. तो फिर आपको ये चीजें दिमाग में रखनी है कि फीचर्स में हमने लिखना क्या है. सबसे पहले तो आप बता दोगे फीचर्स में, आप बताओगे जैसे इन इंडिया वी हैव इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, ठीक है? ये फीचर में आएगा. फिर देयर इज ज्वाइंट इलेक्टोरेट. Our government has adopted universal adult franchise. ठीक है, फिर आप ये भी बता सकते हो कि candidates and political parties have to follow modal code of conduct. There is secret ballot. Voting in India is done by secret ballot. ठीक है, there is reservation of seats for SC and ST in government bodies. So you can write simple points also, ठीक है?
आपकी मर्जी है आपने कैसे लर्न करना है. अगर तो आप पैराग्राफ की फॉर्म में करते हो, 5 मार्क का क्वेश्चन है, देन यू हैव टू राइट 5 पॉइंट्स पैराग्राफ की फॉर्म में है. तो अगर आप सिंपल लाइनें लिखते हो देन यू विल राइट 7-8 पॉइंट्स. ठीक है, फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा लिख देना ना. फिर यू हैव डन 8 फीचर्स, फिर उनको सिंपल लाइन्स में कन्वर्ट करके लिख देना. इट इज अकॉर्डिंग टू योर विश, आप जैसे करना चाहो कर सकते हो. नेक्स्ट इज, अब आपका आ गया टॉपिक चैलेंजेस फेस्ड बाय इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया. एक मिनट. यस दी रेन, इज देयर इज एनी प्रॉब्लम? मैम एक बार पेटीशन बता दो क्या होता है. ओके, आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन. पेटीशन यू कैन राइट एन फीचर्स, और जब आपने किया था आर इलेक्शंस कंडक्टेड इन इंडिया, इन दैट यू हैव डन दिस. पिटीशन में आप बताओगे इफ रिगिंग और बूथ कैप्चरिंग इज डन इन एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी ड्यूरिंग इलेक्शन, पीपल ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी और कैंडिडेट ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी कैन फाइल अप अ पिटीशन इन द कोर्ट इफ कोर्ट फाउंड ऑल द ऑब्जेक्शंस राइट. जो भी उन्होंने वहां पे कंप्लेंट की है, कोर्ट भी तो चेक करती है कि ऑल द कंप्लेंट्स जो भी आई हैं वो करेक्ट हैं. देन इलेक्शन कमीशन, तो इट मींस उन्होंने पिटीशन फाइल अप कर दी. ठीक है, देन इलेक्शन कमीशन कैंसल द पोल्स ऑफ दैट, कैंसल द रिजल्ट, उस एरिया का रिजल्ट कैंसल किया जाता है. ठीक है, इलेक्शन कमीशन कैन कैंसल द रिजल्ट ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी and in that constituency election would be held again, it is declared by election commission. उस constituency में वो election दोबारा करवाते हैं अगर किसी में rigging हो जाए या booth capturing हो जाए तो. अगर तो तब तक result declare नहीं हुआ तो election commission उस constituency का फिर result declare होने नहीं देते. अगर वो हो भी गया तो फिर भी डिक्लेयर किया जाता है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में दोबारा इलेक्शंस करवाए जाएंगे, उसको कैंसल माना जाता है. फिर इस एरिया में रिगिंग हुई थी, दैट्स व्हाई रिजल्ट जो भी है वो वैलिड नहीं है, एंड इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्शन वुड बी हेल्ड अगेन, इट इज डिक्लेयर्ड बाय इलेक्शन कमीशन. तो ये पिटीशन हम फाइल अप कर सकते हैं अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिगिंग हो या बूथ कैप्चरिंग हो तो. हमें चुपचाप बैठ के तमाशा नहीं देखना, पीपल कैन फाइल अप अ पिटीशन इन द कोर्ट. लोग कोर्ट में पटिशन फाइल अप कर सकते हैं. तो नेक्स्ट इज, अब आ जाओ आप चैलेंजेस फेस बाय इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया. वी आर सेइंग कि इन इंडिया इलेक्शंस आर हेल्ड इन फ्री एंड फेयर मैनर. हम खुद ही तो कहते हैं कि इन इंडिया इलेक्शंस आर हेल्ड इन फ्री एंड फेयर मैनर, कहते हैं ना, बट स्टिल इट हैज टू फेस लॉट्स ऑफ चैलेंजेस. जो गुड होता है उसको भी तो चैलेंजेस आते हैं. ठीक है ना, गवर्नमेंट कितनी गुड है हमारी डेमोक्रेसी, तो क्या इसको प्रॉब्लम्स नहीं है? कितने चैलेंजेस हैं हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को. करप्शन है, पॉवर्टी है, इलिटरेसी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, कितनी प्रॉब्लम्स हैं दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैज टू फेस. इसी तरह नो डाउट इन इंडिया इलेक्शंस आर हेल्ड इन फ्री एंड फेयर मैनर. हम खुद ही कहते हैं हमारी कंट्री में इलेक्शंस फ्री एंड फेयर मैनर से होते हैं, बिकॉज वी आर हैविंग इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन. तो वो हमारा इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट वे से वर्क करता है, वो किसी की अंडर वो वर्क नहीं कर रहा, उसे कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा रूलिंग पार्टी के हमारी फेवर में डिसीजन लो. नो, तो इंडिया में इलेक्शंस आर हेल्ड इन फ्री एंड फेयर मैनर, हर एक को इक्वल चांस दिए जाते हैं फॉर कैंपेनिंग सबको, है ना, बट स्टिल इट हैज टू फेस लॉट्स ऑफ चैलेंजेस. फिर भी इसको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं. तो फर्स्ट इज, नो यू विल टेल राइट द चैलेंजेस फेस बाय इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, तो विच यू विल राइट एक्सपेंसिव. वेरी गुड, एक्सपेंसिव इलेक्शंस. So make it first point, expensive elections. तो इसको simple बताओ, you have done it before also in democracy, challenges faced by democracy में भी आपने लिखा था ये point. You can write same, no need to learn here again. अब ये बताओ ना कि in India process of election is very expensive, ठीक है? Only rich people can contest elections, though they are not capable. Poor people, though they are capable, honest, can't contest election due to lack of resources.
ठीक है, तो इस वजह से आप एक तो पॉइंट यही बता दोगे, इन इंडिया इलेक्शंस आर एक्सपेंसिव, इसको इलेबोरेट कर देना आपने, ठीक है। नेक्स्ट आप बता सकते हो डायनेस्टिक सक्सेशन, वेरी गुड, हु इज गिविंग आंसर, एक मिनट, डायनेस्टिक, गर्ल की आवाज थी, स्टॉप इट, डायनेस्टिक, वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, डायनेस्टिक सक्सेशन, यू विल राइट दिस पॉइंट। तो आप अपना नाम बताओ, जसलीन हैज गिवन द आंसर ऑफ दिस के पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, पॉलिटिकल पार्टीज वाइल सिलेक्टिंग कैंडिडेट्स गिव चांस टू देयर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स एंड रिलेटिव्स। ऐसे ही है ना, इन इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज वाइल सिलेक्टिंग कैंडिडेट्स गिव चांस टू देयर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स एंड रिलेटिव्स, दो दे आर नॉट केपेबल, डिजर्विंग कैंडिडेट्स कैन नॉट रीच टू द टॉप पोजिशन ओनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज, डिजर्विंग कैंडिडेट्स कैंडिडेट्स कैन नॉट रीच टू द टॉप पोजिशन ओनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज, वी आर डूइंग डायनेस्टिक सक्सेशन। फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स रिलेटिव्स को चांस दिया जाता है, डिजर्विंग कैंडिडेट्स टॉप पोजिशन पे नहीं पहुंच पाते ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट यू कैन राइट लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। अरे आप इसमें क्या बताएंगे, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, वेरी गुड, वेरी गुड, इंटरनल इलेक्शंस नहीं करवाती पार्टी, है ना। तो आप बताओगे व्हाइल सिलेक्टिंग कैंडिडेट्स पॉलिटिकल पार्टीज नेवर कंडक्ट इंटरनल इलेक्शंस, जैसे कि यूके एंड यूएसए में होते हैं इंटरनल इलेक्शंस होते हैं, फिर कैंडिडेट्स आगे सिलेक्ट होते हैं। व्हाइल सिलेक्टिंग कैंडिडेट्स इन इंडिया बता देना साथ में, क्योंकि हम इंडिया के चैलेंजेस लिख रहे हैं। व्हाइल सिलेक्टिंग कैंडिडेट्स पॉलिटिकल पार्टीज नेवर कंडक्ट इंटरनल इलेक्शंस, कभी भी इंटरनल इलेक्शंस नहीं करवाती, ओनली टॉप पार्टी लीडर्स सिलेक्ट द कैंडिडेट्स अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस, टॉप पार्टी लीडर्स सिलेक्ट द कैंडिडेट्स अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस, टॉप पार्टी लीडर्स ही कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। सो देयर इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, नहीं है ना, क्योंकि देखो ना कौन सिलेक्ट कर रहा है कैंडिडेट्स को, टॉप पार्टी लीडर्स, इट मींस जो बाकी मेंबर्स हैं उनके तो व्यूज ही नहीं लिए गए। व्हाइल सिलेक्टिंग कैंडिडेट्स पॉलिटिकल पार्टीज नेवर कंडक्ट, क्या नहीं करवाती, इंटरनल इलेक्शंस, ओनली टॉप पार्टी लीडर्स सिलेक्ट द कैंडिडेट्स अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस, बस। तो देयर इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। नेक्स्ट मनी एंड मसल पावर, मनी एंड मसल पावर, ये भी आप बता सकते हो चैलेंजेस में, मनी एंड मसल पावर। अब इसमें आप क्या बताओगे, मेन एम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज टू विन द इलेक्शंस, क्योंकि उनका मेन एम क्या होता है, मेन एम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज टू विन द इलेक्शंस, सो दैट्स व्हाई समटाइम्स दे गिव चांस टू रिच एंड क्रिमिनल्स, मोस्टली दे गिव चांस टू रिच एंड क्रिमिनल्स, द मेन एम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज टू विन द इलेक्शन, सो दैट्स वाई मोस्टली दे गिव चांस टू रिच एंड क्रिमिनल्स, बिकॉज दे आर ऑन द व्यू बाय मनी एंड मसल पावर दे वुड विन द इलेक्शंस। उनको होता है कि इन्होंने मनी मसल पावर यूज करके इलेक्शंस जीत जाने हैं, क्योंकि उनको तो जीतने से मतलब है ना, द मेन एम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज टू विन द इलेक्शन, सो दैट्स वाई दे मोस्टली गिव चांस टू रिच एंड क्रिमिनल्स, एज दे आर ऑन द व्यू दैट बाई यूजिंग मनी एंड मसल पावर दे वुड विन द कैंडिडेट्स वुड विन द इलेक्शन। उनको होता है कि मनी एंड मसल पावर यूज करके कैंडिडेट्स क्या करेंगे, वुड विन द इलेक्शन। नेक्स्ट लो पोलिंग परसेंटेज, लो पोलिंग परसेंटेज, पास है
लो पोलिंग परसेंटेज, लो पोलिंग परसेंटेज, वंचिका वो देखो, लो पोलिंग परसेंटेज। अब इसमें क्या बताएंगे, प्लीज टेल मी। गुड, वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट गर्ल जसलीन, बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं उसको। लो पोलिंग परसेंटेज में आप यही बताओगे कि इंडिया में वोटिंग 100% नहीं होती है ना। हाँ, गुड गुड गुड, गवर्नर इज ऑल्सो वेरी गुड, मोस्टली ऑल द स्टूडेंट्स आर गुड, सब आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। तो इसमें आप क्या बताओगे लो पोलिंग परसेंटेज में कि इंडिया में वोटिंग इज नॉट 100%, ओनली 75-80% कैंडिडेट्स हैव कास्टेड देयर, ओनली 75-80% कैंडिडेट वोटर्स कास्ट देयर वोट, 25% पीपल डू नॉट कास्ट देयर वोट, सो रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर इलेक्टेड दे आर नॉट ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स। चलो इसको लिखो, इन इंडिया वोटिंग इज नॉट 100% एज पीपल डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ देयर वोट, इन इंडिया वोटिंग इज नॉट 100% एज पीपल डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ देयर, लोगों को अपने वोट की वैल्यू ही नहीं पता, वोटिंग इज नॉट 100%, पीपल डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ देयर वोट, ओनली 75-80% पीपल कास्ट देयर वोट, 25% पीपल डू नॉट कास्ट देयर वोट, इन दिस वे ट्रू कैंडिडेट्स आर नॉट इलेक्टेड। तो ट्रू नहीं ना इलेक्ट होते क्योंकि 25% लोगों ने तो वोट ही नहीं डाली, पीपल डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ देयर वोट। यू कैन ऑल्सो राइट दीज पॉइंट्स, ड्यूरिंग इलेक्शंस रूलिंग पार्टी ऑलवेज मिस यूज इट्स पावर्स, ड्यूरिंग इलेक्शन रूलिंग पार्टी ऑलवेज मिस यूज इट्स पावर्स एंड मास मीडिया, ओपोजिशन हैज नॉट गिवन चांस, ओपोजिशन को चांस ही नहीं दिया जाता, ओपोजिशन को चांस भी नहीं दिया जाता। During elections, ruling party often misuse its powers and mass media, and opposition parties have not given chance. Opposition को chance नहीं दिया जाता. Sometimes candidates, ये ऐसे लिख के छोड़ दो इसमें points. Sometimes candidates demand vote in the name of caste and religion. Sometimes candidates demand vote in the name of caste and religion. These are enough. अब इसको ना remedies में convert करो. I've written here remedies. अब एक मिनट मैं पूछूं, जैसे कि elections are expensive. अब इसको remedy में लेके आना है, तो हम यही कहेंगे election should not be. There should be control over the expenditure of the elections by the government. Government का proper control होना चाहिए, है ना? हर एक में से points लो और सुधार दो. First आप लिखा ना expensive, उसी को सुधार के लिखो. Election should not be so expensive. There should be control of the government on the expenditure. Very good. कुछ भी लिखते जाओ अब आप. First of all तो write about expensive elections, उसको सुधारो. Election should not be expensive. There should be control of the government over the on the expenditure of the on the expenditure. Government का control होना चाहिए खर्चे के ऊपर, है ना? Next आप बता सकते हो top party, आप बताओ कि party should conduct internal elections while selecting candidate. हम तो कहते हैं कि top party leader ही करते हैं, तो अब आप कह दो कि party should conduct internal elections like UK and USA while selecting कैंडिडेट्स. पार्टी शुड कंडक्ट क्या करवानी चाहिए पार्टी को, हाँ उन्हीं को सुधार के लिखो ना. आपने लिखा रूलिंग पार्टी ओपन मिस यूज इट्स पावर्स मास मीडिया, लिखो रूलिंग पार्टी शुड नॉट बी अलाउड टू मिस यूज इट्स पावर्स मास मीडिया, ओपोजिशन पार्टी शुड ऑल्सो गिवन
चांस टू यूज मास मीडिया, उसे भी चांस देना चाहिए. यस, कैंडिडेट शुड नॉट डिमांड वोट्स इन द नेम ऑफ कास्ट एंड गुड. और बनाओ, नॉन सीरियस कैंडिडेट शुड नॉट बी गिवन. देख लो हर जगह आता है कि नॉन सीरियस को चांस मत दो. इन पॉलिटिक्स आल्सो नॉन सीरियस कैंडिडेट शुड नॉट बी गिवन चांस. हाँ, वोटिंग शुड मेड कंपल्सरी, ये नहीं लिखेंगे कि उनका आई कार्ड कैंसिल करो. वोटिंग शुड मेड कंपल्सरी, वोटिंग को कंपल्सरी करो, ठीक है ना. वोटिंग शुड मेड कंपल्सरी बाय द इलेक्शन कमीशन, वोटिंग कंपल्सरी करो. पीपल शुड नो द वैल्यू ऑफ देयर. और बनाओ, वेरी गुड. डायनेस्टिक सक्सेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है. ओनली आप कहो कि डिजर्विंग कैंडिडेट शुड बी गिवन चांस, ठीक है. मनी एंड मसल पावर शुड नॉट बी यूज, वो यूज नहीं होनी चाहिए. और शुड नॉट स्टेप टू, ये तो आप वो दैट इज देयर ओन विश. नो, बोल दिया हमने, रूलिंग पार्टी शुड नॉट मिसयूज इट्स पावर. यस, वेरी गुड. कैंडिडेट्स एंड पार्टी शुड फॉलो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूरिंग कैंपेनिंग. ओके ही सिंह के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बता दो. लिसन केयरफुली, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अगर आ जाए तो आपने कहना है रूल्स एंड रेगुलेशंस इश्यूड बाय इलेक्शन कमीशन बिफोर द इलेक्शन व्हिच पार्टीज एंड कैंडिडेट्स हैव टू फॉलो. अब उसमें क्या क्या होता है, पार्टीज एंड कैंडिडेट्स कांट डू फॉलोइंग थिंग्स. रिलीजियस प्लेसेस फॉर कैंपेनिंग यूज नहीं कर सकते, रिश्वत नहीं दे सकते वोटर्स को, है ना. और हाँ, गवर्नमेंट मशीनरी मिसयूज नहीं कर सकते. देखो सबको आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास. हाँ, वोटिंग तो होती है, वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू ही है. नो, दैट इज डन बाय सीक्रेट बैलेट. नो, वी कांट डिनाई. नो, चलो अब आप बताओ कि इज देयर इज एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग चैलेंजेस एंड रेमेडीज. जिसको, एक मिनट, एक बात बताऊं, रेमेडीज लर्न नहीं करते होते. जिसको चैलेंजेस आ गए, चैलेंजेस तो वैसे ही आप देख ही रहे हो अपने आसपास, आपको पता ही है क्या क्या हो रहा है. जिसको चैलेंजेस आ गए ना, रेमेडीज तो अपने आप आ गई. आप कहते हो कि आपका पेपर में नंबर कम आए क्योंकि आप पढ़े नहीं. आपकी रेमेडी क्या है, अब आप पढ़ोगे, आपको पढ़ना चाहिए था. यही है ना, मैं कह रही हूँ कि इलेक्शन, हम कह रहे हैं कि टॉप पार्टी लीडर कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है. अब हमें कहना चाहिए मनी एंड मसल पावर यूज करते हैं. अब हम कहेंगे कि मनी एंड मसल पावर यूज नहीं होनी चाहिए. फिर हम कहेंगे टॉप पार्टी लीडर्स को इंटरनल इलेक्शंस करा के फिर कैंडिडेट्स को पावर में लाना चाहिए. अपनी मनमर्जी से कैंडिडेट्स को पावर में नहीं लाना चाहिए. इज इट क्लियर? चलो अब कुछ टर्म्स करो. अगर मैं बोलूं, मुझे एक मिनट के लिए बुक मिलेगी. फ्यू टर्म्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्स्टिट्यूएंसी सबको आता है. पेपर में अगर क्वेश्चन आए व्हाट डू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूएंसी, कैन यू राइट. कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो आपको ऑलरेडी आती होंगी तो वो आप नहीं करोगे, ठीक है. फर्स्ट इज कोड ऑफ कंडक्ट. अभी मैंने बोला मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, कैन यू राइट. मैं एक बात बोलू, नो नीड टू लर्न फ्रॉम द बुक. अगर आपको आते हैं ना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, देन राइट. आपको इसको क्रैम करके बुक से नहीं लिखना, आपको अपनी अपने वे से लिखना आता है, देन यू कैन राइट. इज इट क्लियर? कोड ऑफ कंडक्ट कैन यू राइट. नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी कैन यू राइट. नेक्स्ट इज लेवल प्लेइंग फील्ड. अब इसको आप कर लो. लेवल प्लेइंग फील्ड में आप बोलोगे ऑल द पार्टीज एंड कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग इलेक्शंस हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू अपील द वोटर्स एंड फॉर कैंपेनिंग एंड टू डू कैंपेनिंग. लिसन अगेन, ड्यूरिंग इलेक्शन, देखो लेवल, लेवल प्लेइंग फील्ड. पार्टीज क्या करती हैं, प्ले करती हैं ना, अपना पार्ट प्ले करती हैं. तो इसमें आप बताओगे लेवल प्लेइंग फील्ड में आप बताओगे कि पार्टीज एंड कैंडिडेट्स हैव गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू अपील द वोटर्स एंड टू डू कैंपेनिंग. अगर हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले कि वो वोटर्स को अपील भी कर सके और कैंपेनिंग भी कर सके, तो ये क्या बन गया, लेवल प्लेइंग फील्ड. इज इट क्लियर? पार्टीज एंड कैंडिडेट्स हैव गिवन इक्वल चांस या इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू अपील द वोटर्स
एंड टू डू कैंपेनिंग, दैट इज नोन एज लेवल प्लेइंग फील्ड. आ गया. पार्टीज एंड कैंडिडेट्स हैव गिवन इक्वल चांस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू फॉर कैंपेनिंग, दैट इज नोन एज. अगर सारी पार्टीज एंड कैंडिडेट्स को, वोटर्स को भी अपील करने का राइट है, कैंपेनिंग करने का राइट है, तो दैट इज नोन एज लेवल प्लेइंग फील्ड. कितना इजी है, कर लोगे ना लेवल प्लेइंग फील्ड. चलो कोई बात नहीं, बाकी एक बार कल कर लेंगे.